हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस, जो कि बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमने लिया है 2 कटोरी चावल। इस कटोरी में हमने 2 कटोरी चावल ले लिया है, साथ में लिए हैं दालचीनी, तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची और जीरा। और अगर आपको लौंग और काली मिर्च भी डालना है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। और साथ में हम लेंगे घी। हम चावल को घी में फ्राई करेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर ले लेते हैं और गैस में गर्म होने के लिए रख देते हैं। कुकर गर्म हो गया है तो हमने 2 कटोरी चावल लिए, उसके लिए हम 4 बड़े चम्मच घी यूज कर लेते हैं। और घी को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। घी गरम हो गया तो इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं 2 चम्मच जीरा और इसको थोड़ा चला देते हैं। आधे मिनट इसको भुन जाने देते हैं। चावल को हमने पहले से ही धुल लिया है, अब हम इसी को कुकर में डाल देते हैं। आज हम कुकर में एकदम खिले खिले जीरा राइस बनाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने देते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। हमने 2 कटोरी चावल लिया तो हम ये 2 स्पून नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज करें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने 2 कटोरी चावल लिया था तो लगभग 3 कटोरी पानी लिए हैं। 1 कटोरी चावल में लगभग 1.5 कटोरी पानी लगता है, तो इसे हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने पानी बस चावल से हल्का ऊपर लेना है। इस तरह से भी नाप ले सकते हैं। और चावल की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो कोई चावल थोड़ा सा ज्यादा पानी लेता है और कोई कम, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब ये बस हो गया। अब हम इसका ढक्कन बंद करके अब 2 सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे। गैस फुल फ्लेम में है तो 2 सीटी कुकर दे चुका और इसकी जो भाप है वो भी निकल चुकी है। तो चलिए हम खोल के देखते हैं हमारा चावल कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल कितना अच्छा और एकदम से खिला खिला बना है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। एकदम अलग अलग सारे चावल हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, चावल एकदम खिला खिला कुकर में भी बन गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको बूंदी के रायता या दही सलाद या फिर टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसा कि हमने जीरा राइस के साथ टमाटर की चटनी बनाई। इसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं ये हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए खिला खिला जीरा राइस कुकर में और इसका आनंद लीजिए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।